Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। यहाँ से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बाहर का दृश्य और अब हम आपको अंदर भी लेकर जाएंगे। यहाँ पर अंदर कैसा लगता है और पूरा वीडियो की जानकारी आप देखिए। और उसके बाद में दोस्तों आज मुंबई की पूरी खूबसूरत जगह और सारी जानकारी आपको मुंबई शहर के विषय में मिलने वाली है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी लोकल ट्रेन यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लोकल हो या बाहर गांव जाने वाली ट्रेनें हो, यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है क्योंकि इसके आगे समुद्र आ जाता है। और ये यहाँ का ये बुकिंग ऑफिस हम आपको दिखा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का। देख सकते हैं आप, किसी महल से कम नहीं है दोस्तों ये यहाँ की खूबसूरती। और ये चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर आए हैं मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों ये अगर आप मुंबई शहर में आते हैं तो इन जगहों की खूबसूरती को आज आप देख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये वीडियो को देखने में आपको ऐसा लगेगा कि घर बैठे आप पूरा मुंबई शहर घूम लिए हो। और ये पूरा यहाँ का ताज महल होटल दोस्तों, ताज होटल की खूबसूरती को हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ के पूरा यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये लगता है। पूरा का पूरा व्यू हम आपको यहाँ के आसपास का दिखाते हैं। और ये पूरा यहाँ की खूबसूरती आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अब समुद्र की सैर करके आते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर अब हम आपको लेकर आ चुके हैं समुद्र की सैर करने के लिए। और यहाँ पर प्राइवेट बोट में भी आप जा सकते हैं। इसके टिकट हम आपको बताएंगे कितना लगते हैं अगर आप पैकेज करा के जाते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ में ये बोट के अभी राइड करके आ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और ये यहाँ पर आप समुद्र में सैर करने के लिए जाएंगे तो 115 रुपए का टिकट ये लगता है। और ये यहाँ पर ये लड़ाकू विमानों को, लड़ाकू जहाज़ों को आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। और ये यहाँ पर ये सर्चिंग रखी जाती है दोस्तों, यहाँ पर पानी के जहाज जितने भी हैं। और ये समुद्र की खूबसूरती को हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह से लगता है। आज बहुत ही शॉर्ट में वीडियो, लेकिन आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मुंबई की सारी जगहों को हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, आप भी बोर नहीं होंगे। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से ये लगता है। और यहीं से एलिफेंटा केव्स के लिए जाया जाता है और इसके टिकट हम आपको बताएंगे। और ये यहाँ की खूबसूरत आती देख सकते हैं आप दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की बहुत ही खूबसूरत। पूरा गेटवे ऑफ इंडिया का शानदार और ख़ूबसूरत व्यू हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और ये टिकट के विषय में अब आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आपको एलिफेंटा केव जाना है, फेरी बुकिंग जाना है तो ये यहाँ पर ये टिकट लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन शॉट लेकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा हुआ है कब जाना है, कब वापस आना है।
और ये ओपन बस से, डबल डेकर बस से आप पूरा मुंबई शहर घूम सकते हैं। ये यहाँ से बस चलती है और जूहू चौपाटी पर ख़त्म होती है। और ये इसके पश्चात अब हम आपको ये दिखा रहे हैं मुंबई की ये खूबसूरत जगह, इसे फ्लोरा फाउंटेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये चर्च गेट स्टेशन के बिल्कुल करीब है। चर्च गेट और वीटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बिल्कुल मिडिल में है ये। और ये आप देख सकते हैं समय समय पर यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती रहती है। ये पूरा वाइडर शॉट फ्लोरा फाउंटेन का आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ एक और करीब चलते हैं थोड़ा। और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है दोस्तों, ये 1804 में बनाई गई थी। और यहाँ पर मुन्ना भाई MBBS की और बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती रहती है और इसे सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको लेकर आए हैं मुंबई का चर्च गेट स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये चर्च गेट स्टेशन, यहाँ पर भी लोकल ट्रेन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है इसके आगे, क्योंकि समुद्र आ जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया आ जाता है। ये अंदर का दृश्य हम चर्च गेट स्टेशन का आपको दिखा रहे हैं और ये मुंबई की लोकल को आप देख सकते हैं। और चलिए थोड़ा मरीन ड्राइव साइड चलते हैं। और ये यहाँ पर ये ब्रेबोर्न स्टेडियम है, ये एम्बेसडर होटल को आप ये देख सकते हैं, इसी के जस्ट सामने ब्रेबोर्न स्टेडियम है और यहीं पर पास ही में वानखेड़े स्टेडियम है। दोनों स्टेडियम चर्च गेट स्टेशन अगर आप आ जाएंगे तो आप पहुंच सकते हैं। और ये पूरा मरीन ड्राइव का खूबसूरत और मनोहर दृश्य हम आपको आपके लिए लेकर आए हैं। और ये चलिए आपको जूम करके दिखाते हैं, ये एयर इंडिया की बिल्डिंग है दोस्तों और उसके पास ही में ये ट्रेड एंड होटल है। और इसके पश्चात जो छोटी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये ओबेरॉय होटल है दोस्तों। ये पूरे मरीन ड्राइव की शान कह लीजिए आप इसको। और पूरा खूबसूरत और मनोहर दृश्य मरीन ड्राइव का हम आपको ये दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो मुंबई की सारी चर्चित जगहों को आप इसमें घूम सकते हैं और ये पूरे मरीन ड्राइव की खूबसूरती को शाम ढलने को है। चलिए वो नज़ारा भी हम आपको दिखा देते हैं, सनसेट होने को है और शाम ढलते ढलते यहाँ का नज़ारा बहुत ही बदल जाता है। वीडियो के आखिरी में आप नाइट सीन भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर रात्रि में अगर आप देखना चाहते हैं मरीन ड्राइव कैसा लगता है मुंबई नाइट, इस वीडियो के आखिरी तक आप पूरा बने रहेंगे तो पूरी जानकारी ले सकते हैं और पूरी खूबसूरत और मनोहर दृश्य को आप मुंबई के देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सनसेट होने को ही है। और ये अलग अलग दिन हमने ये वीडियोस लिए हैं दोस्तों। ये अब हम आपको लेकर आ चुके हैं ये जुहू चौपाटी पर। यह जुहू चौपाटी पर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है और ये रामाड़ा प्लाजा पाम ग्रोव होटल जुहू चौपाटी पर से दोस्तों जितने भी फ्लाइट हैं यहीं से टेक ऑफ की जाती है मुंबई की और हर एक दो मिनट में फ्लाइट यहां से जाती है। और ये खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप ये देख रहे हैं दोस्तों। ये जुहू चौपाटी मुंबई जो कि जुहू में है और यहां पर आने के लिए आप सांता क्रूज स्टेशन से बस के माध्यम से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ की खूबसूरती आप ये देख लीजिए, जुहू चौपाटी बहुत ही अद्भुत। यहाँ पर बहुत सारे खेलों का आयोजन, वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन हो चुका है। आप मुंबई में आएंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और ये शाम के वक्त यहाँ का अलग ही मज़ा रहता है, सनसेट के टाइम पे ये आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये बीच में एडवर्टाइज़ के लिए ये यहाँ पर ये लगा दी गई है। और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर आकर कर सकते हैं। और मुंबई बहुत ही बदल चुका है दोस्तों लॉकडाउन के बाद में। यहाँ पर बहुत ही शानदार और जानदार वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से लिए चलते हैं और ये
बांद्रा वर्ली सीलिंग। दोस्तों बांद्रा वर्ली सीलिंग अगर आपने नहीं देखा मुंबई में आए तो समझो क्या देखा, बहुत ही बड़ा समुद्र के ऊपर ये विशाल ब्रिज जो है बनाया हुआ है दोस्तों। और ये हम आपको यहाँ की खूबसूरती दिखा रहे हैं, इसके ऑपोजिट साइड में माहिम है और ये पूरा जो ब्रिज है दोस्तों इसके माध्यम से आप हाजी अली दरगाह तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं। हाजी अली के शॉट्स भी हम आपको दिखाएंगे और ये पूरा यहाँ का ये बांद्रा फोर्ट के नाम से इस जगह को जाना जाता है और ये खूबसूरत और मनोहर दृश्य देख सकते हैं आप, और ये पूरा बांद्रा का। और ये अब हम आपको लेकर आए हैं मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल T2। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर जितने फिल्मी कलाकार हैं यहीं से आते हैं जाते हैं और यहीं पर आप दिन में रहेंगे तो बहुत सारे फिल्मी कलाकारों को यहाँ पर आते जाते आप देख सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ तक ऊपर आने के लिए कोई टिकट नहीं है, सिर्फ अंदर जाने के लिए अगर आपको फ्लाई करना करके जाना है तो आप को टिकट चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर यहाँ तक कोई भी टिकट नहीं लगता है, आप आ सकते हैं यहाँ पर। और ये खूबसूरत नज़ारा दोस्तों आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, सुना होगा अजीत साहब के मुंह से कि कहाँ लेकर गए हैं उसको, मड आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, ये मड आइलैंड मुंबई के खूबसूरत और मनोहर दृश्य और ये पूरा खूबसूरत बीच को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत बीच है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको मलाड स्टेशन आने के बाद आ सकते हैं और बोरीवली से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर पानी में नहा सकते हैं और दिन भर आनंद कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंगलेज हैं, यहाँ पर दिन रात शूटिंग यहाँ पर चलती रहती है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह। और ये पूरा अक्सा बीच का खूबसूरत और मनोहर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये मड आइलैंड दोस्तों ये स्थित है और यहीं पर वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड दोनों बसे हुए हैं। ये बीच में जो टापू आप देख रहे हैं समुद्र के बीच में, ये हम आपको अभी दिखाते हैं। ये बीच में जो समुद्र के जो टापू आप देख रहे हैं दोस्तों, यहीं पर वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड पूरा बसा हुआ है। वाटर किंगडम जाने के लिए आप बोरीवली से जा सकते हैं, गोराई बीच आपको जाना होगा और मारवे बीच से भी आप जा सकते हैं होड़ी के माध्यम से, साथ में समुद्र की सैर भी हो जाती है और आप वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड पूरा घूम लेते हैं दोस्तों। और ये अक्सा बीच का खूबसूरत और मनोहर दृश्य हम आपको दिखा रहे थे दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत जगह ये बीच में देख सकते हैं आप, यहीं पर वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड बसे हुए हैं। तो चलिए अब हम बिल्कुल हाजी अली दरगाह मुंबई की दोस्तों ये देख सकते हैं, समुद्र के बीच में है और यहीं पर महालक्ष्मी टेम्पल है, ये आप देख सकते हैं महालक्ष्मी टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। यहाँ पर आप मुंबई में आते हैं तो यहाँ के नज़ारे आप ये देख लीजिए। हर एक इंसान जो भी मुंबई शहर में आता है इस जगह पर ज़रूर आता है। और ये महालक्ष्मी मंदिर को हम आपको दिखा रहे हैं, हाजी अली दरगाह से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भी आप महालक्ष्मी और हाजी अली दोनों जगह पर आप आ सकते हैं दोस्तों। और महालक्ष्मी स्टेशन से शेयरिंग जो है टैक्सी आती है, यहाँ पर आप आ सकते हैं 20-20 रुपये देकर महालक्ष्मी स्टेशन से, और ग्रैंड रोड स्टेशन से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, करीब पड़ता है। और ये पूरा हाजी अली दरगाह का खूबसूरत और मनोहर दृश्य बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ अंदर लेकर चलते हैं और ये पूरा का पूरा यहाँ पर अंदर का दृश्य मनोहर दृश्य बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है दोस्तों और काफ़ी चेंजेस हो गए हैं क्योंकि कोविड के बाद में हमारा भी अभी आना हुआ है,
और ये यहाँ पर आप ये हाजी अली साहब की दरगाह आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको बहुत ही अच्छा और विशाल बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर पा रहे होंगे मैं समझ सकता हूँ। और यहाँ पर कव्वाली भी हमेशा यहाँ पर चलती रहती है दोस्तों, और यहाँ पर खाने का भी सामान मिलता है, और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर रिनोवेशन का कार्य चल रहा है हाजी अली दरगाह के यहाँ पर। और दोस्तों ये यहाँ पर आसपास की खूबसूरती को ये आप देख सकते हैं यहाँ, और ये सामने आप नेहरू प्लेनेटोरियम यहाँ पर नेहरू तारागण को यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ में आप आ सकते हैं। ये हाजी अली दरगाह के बिल्कुल करीब में ही स्थित है, और आकर आप पूरा दिन यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा, आपको हम मुकेश अंबानी का घर भी आपको दिखाने वाले हैं। और ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहीं पर कुली फिल्म के शॉट यहाँ पर लिए गए थे। अमिताभ बच्चन ऊपर चढ़ जाते हैं, कादर खान उनको मारने आते हैं लेकिन वो खुद ही मारे जाते हैं दोस्तों। कहते हैं ना जिसके साथ में ऊपर वाला रहता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है, ऐसा ही कुली फिल्म में हुआ था अमिताभ बच्चन साहब के साथ में। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप दिन भर यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो भी मुराद आप मांगेंगे दोस्तों आपकी पूरी हो जाती है। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे, चलिए हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये एंटीलिया जो कि मुकेश अंबानी का घर है दोस्तों, सबसे महंगा घर दुनिया का दोस्तों। और यहाँ पर बड़ी बड़ी विशाल बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, हालांकि सबसे महंगा घर तो ये एंटीलिया ही है। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये मुकेश अंबानी का घर, सबसे महंगा घर, वर्ल्ड का सबसे महंगा घर दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में है, बहुत बड़ी बात है। और ये यहाँ से चलिए एक बार और आपको दिखाते हैं, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे दर्शकों को मुंबई ज़्यादा से ज़्यादा करीब से हम आपको दिखाएं। और ये कैसा लग रहा है आप बताइएगा, और यहाँ से अब हम आपको आगे ये चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर दोस्तों, बहुत ही ये दोस्तों बांद्रा वेस्ट में स्थित है, दादर में, दादर स्टेशन में अगर आप उतर जाते हैं दादर वेस्ट में, आपको वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ पर आप सिद्धि विनायक मंदिर आप किसी से भी पूछेंगे, या ऑटो रिक्शा नहीं चलती है बांद्रा के बाद में, आपको टैक्सी ही करनी मुंबई के दोस्तों। ये मरीन ड्राइव का जैसा हमने आपको कहा था कि मरीन ड्राइव रात में कैसी लगती है, बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि हमें नाइट व्यू मुंबई शहर का आप दिखाइए, तो ये आपके सामने पेश है दोस्तों, ये मुंबई का नाइट मरीन ड्राइव का खूबसूरत और मनोहर दृश्य, बहुत ही खूबसूरत लगता है। कहते हैं ना कि जैसे महारानी ने नेकलेस पहना हुआ है, और ये एम्बेसडर होटल को आप ये देख सकते हैं, मुंबई मरीन ड्राइव, ये 3.5 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ पर आकर आप पूरी रात में कभी तक भी 12-1 बजे तक आप बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया रात में कैसा लगता है दोस्तों, ये रात्रि में मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, और ये यहाँ का खूबसूरत और मनोहर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है मुंबई, दिन में देखिए या रात में देखिए हमेशा बहुत ही शानदार और जानदार लगती है। और ये पूरा खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप ये देख सकते हैं दोस्तों ताज होटल का, और रात्रि का शॉट आप ये देख रहे हैं पूरा, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर रात में, हालांकि यहाँ पे 10-11 बजे के बाद में परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि फिर समय हो जाता है कोई समुद्र में, क्योंकि बोट वगैरह जो है बंद हो जाते हैं करीबन 7 बजे के पश्चात, जो है आप समुद्र में
नहीं जा सकते हैं। और ये पूरा यहाँ का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप ये देख सकते हैं। इसके पश्चात हम वीटी स्टेशन को आपको दिखाएंगे दोस्तों। और तो चलिए ये आप देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से सजा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। आप मुंबई के वीडियो अगर आप घूमना चाहते हैं, सारे फिल्म सिटी टूर करना चाहते हैं, सारे फिल्म एक्टरों के घर देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 नंबर का वीडियो है, आप उस पर क्लिक कीजिए और घर बैठे पूरा मुंबई फिल्म सिटी टूर सारे फिल्म एक्टरों के घर देखिए।